हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा। कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं रॉयल्टी अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन, और करेंगे इसको आज हम सॉल्व कि किस तरह से एनालिटिकल टेबल हम बनाते हैं और कैसे जनरल इंटरेस्ट पास आउट करते हैं और अमाउंट शो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या है रॉयल्टी अकाउंट के जो क्वेश्चन है वो किस तरह का है। बात करते हैं रॉयल्टी अकाउंट की मीनिंग की, उसके इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ रॉयल्टीज़ की। सो आप चैनल पर विजिट करके वीडियोस देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उसके थ्रू भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी आपके लिए बनाई है, सो आप प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, इसमें देखते हैं। अ कंपनी टुक अ लीज ऑफ अ कोलरी ऑन 1 जनवरी 2005 एट अ मिनिमम रेंट ऑफ ₹9,000 मार्जिंग इन टू अ रॉयल्टी ऑफ 50 पैसे पर टन with a power to recoup short workings over the first 3 years of lease. The output of the colliery for the first years was 12,000, 19,000 first 3 years. यहाँ पे है first 3 years was 12,000, 19,000 and 21,000 tons respectively. क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ए कंपनी है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, ए कंपनी। उन्होंने एक दूसरे एक कोलरी कंपनी को क्या लिया है, रेंट उस पर लिया है, लीज पर लिया है। इन्होंने कब लिया था, इन्होंने 1 जनवरी 2005 को, और उसके लिए ये मिनिमम रेंट पे कर रहे हैं ₹9,000। मिनिमम रेंट वो लैंडलॉर्ड को देंगे कितना, ₹9,000। वैसे तो रॉयल्टी पे होती है, इन दैट केस रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम आती है, तो उस केस में 9,000 पे किया जाएगा मिनिमम रेंट। मर्जिंग इनटू अ रॉयल्टी ऑफ 50 पैसे पर टन। अब जो रॉयल्टी है, जो रॉयल्टी आप फाइंड आउट करेंगे, उसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 50 पैसे मीन्स 50 पैसे पर टन के अकॉर्डिंग। एक टन है, ठीक है, एक टन है तो उसका 50 पैसा, समझ गए होंगे, जैसे 1,000 अगर आता है आपका आउटपुट तो 500 रॉयल्टी आएगी। क्लियर। विथ अ पार टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 3 ईयर्स। अब अगर शॉर्ट वर्किंग आती है, शॉर्ट वर्किंग मीन्स कि हमारी जो रॉयल्टी वो मिनिमम रेंट से जितना कम आएगी ना, रॉयल्टी अमाउंट जितना कम आएगा उसको हम अगले 3 ईयर्स तक ही रिकूप्ड कर सकते हैं। रिकूप्ड मीन्स रिकवर कर सकते हैं जो भी आने वाले ईयर्स में सरप्लस होगा। क्लियर। द आउटपुट ऑफ द कोलरी कंपनी इज 12,000, 19,000, 21,000 फर्स्ट 3 ईयर्स के यहाँ पर आउटपुट दिए हुए हैं। आउटपुट मीन्स कि कितना कोल आपने उत्पादित किया, मीन्स कितना कोल निकाला है आपने उस कोलरी, जो भी कोल माइन है, ठीक है, वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं। ये है आपका एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल में इस तरह से हम कुछ टेबल बनाते हैं जिसमें ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी मैंने ऊपर लिख रखी है 50 पैसे पर टन, ओके 50 पैसे पर टन, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकूप, लैंडलॉर्ड एंड प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर ईयर की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का जो दे रखा, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर 1 जनवरी 2005 को इन्होंने ली है, तो अगर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा ईयर हो जाएगा क्या, 2005 एंड 2006 एंड 2007, फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी कर सकते हैं। आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे आउटपुट गिवन है 12,000, 19,000, 21,000 ये क्वेश्चन में गिवन है। देन मिनिमम रेंट भी क्वेश्चन में गिवन है कितना, 9,000, ठीक है। हर साल सेम अमाउंट है मिनिमम रेंट का 9,000। इतना हमारे पास चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है और बाकी हम इन सभी के आधार पर सबको फाइंड आउट करेंगे। अब रॉयल्टी फाइंड आउट करते हैं, रॉयल्टी हम आउटपुट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं। आउटपुट जो भी आया है उसका 50 पैसे, 12,000 का 50 पैसे मीन्स 50% कितना आएगा, ठीक है, चलिए वो देखते हैं। सो 12,000 का कितना हो जाएगा, 6,000, इनका कितना हो जाएगा, 9,500, इनका 10,500, इसी में 10,500। देन माइनस करते हैं हम शॉर्ट वर्क इसमें से मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट अगर ज़्यादा होगा रॉयल्टी से तो शॉर्ट वर्किंग आएगी, तो यहाँ पर मिनिमम रेंट ज़्यादा है रॉयल्टी के कंपैरिजन में, तो 3,000 का क्या हो जाएगा, शॉर्ट वर्क,
यहाँ पर मिनिमम रेंट कम है कंपैरिजन टू रॉयल्टी, रॉयल्टी ज़्यादा है तो सरप्लस आता है। यहाँ पे कितने का आ जाएगा सरप्लस आपके पास, 500 का, यहाँ पर 1500। अब हम इस शॉर्ट वर्किंग को, कहा था फर्स्ट थ्री ईयर्स में हम रिकूप्ड कर सकते हैं, फर्स्ट थ्री ईयर्स में जिस ईयर शॉर्ट वर्क हुआ है उसके अगले दो साल, ठीक है, फर्स्ट थ्री ईयर्स में इस ईयर को लेकर के 1, 2, 3 यहाँ तक रिकूप्ड करेंगे, जो भी बच जाएगा शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट वो ट्रांसफ़र इनटू पीएल करेंगे। कैसे करेंगे रिकूप्ड, 3000 फर्स्ट ईयर में हमारे पास हो गया था शॉर्ट वर्क मीन शॉर्ट वर्किंग, 500 रिकूप्ड हो सकता है, अभी बच गया 2500, 2500 में से हम 1500 भी रिकूप्ड कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर था। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर में अब लैंडलॉर्ड को क्या करेंगे, पे करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लैंडलॉर्ड को देखें तो शॉर्ट वर्किंग आई है, उस केस में लैंडलॉर्ड क्या लेंगे, मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट इसीलिए डिसाइड होता है, चाहे आपका आउटपुट हो चाहे ना हो, काम अच्छे से हो या ना हो, ठीक है, हम 9000 से कम नहीं लेंगे, 9000 ही लेंगे। देन रॉयल्टी ज़्यादा आती है तो उस केस में हम रॉयल्टी अमाउंट लेते हैं रिकूप्ड करने के बाद, अगर बच जाती है तो, ठीक। यहाँ पर भी आपको सरप्लस हुआ तो था लेकिन आपने रिकूप्ड कर दिया, देन यहाँ पर भी 9000 ही बचता है, सो 9000, क्योंकि 500 जो रिकूप्ड करते हैं ना ये हम इन्हीं को पे करते हैं लेकिन शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड के तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर भी 9000, रॉयल्टी ज़्यादा ज़रूर आई थी लेकिन शॉर्ट वर्किंग को हम रिकूप्ड कर रहे हैं, तो ये अमाउंट भी इनको दिया जा रहा है लैंडलॉर्ड को ही, सो ये 1500 दे दिया तो कितना अमाउंट बच गया होगा, 10500 माइनस 9000 करेंगे तो यहाँ पे 1500, देन मिनिमम रेंट पे हो जाएगा 9000। अब हम बात करते हैं शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड की। आपने 3000 आपके पास शॉर्ट वर्क हुआ था उसमें से आपने 500 रिकूप्ड कर लिया, 1500 भी रिकूप्ड, टोटल देखा जाए तो 2000 रुपीज़ फर्स्ट थ्री ईयर्स में हमने रिकूप्ड कर लिया है और टाइम लिमिट खत्म हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा लॉस जो हो रहा है अभी भी 1000 का, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र। अब इसके लिए हम जर्नल इंट्री, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था क्या जर्नल इंट्री होती है, उसी जर्नल इंट्री को यहाँ पर करेंगे और अमाउंट को शो करेंगे। सो फर्स्ट इंट्री यहाँ पर हो जाती है फर्स्ट ईयर के लिए, हम बात करते हैं जर्नल इंट्री, ठीक है ना, जर्नल इंट्री फर्स्ट ईयर के लिए। सो फर्स्ट ईयर जर्नल इंट्री करेंगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, रॉयल्टी, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। शॉर्ट रॉयल्टी कितनी हुई थी आपको, 6000 रुपीज़, तो 6000 दिखाएंगे डेबिट में। शॉर्ट वर्क कितना हुआ, 3000, सो 3000 दिखाएंगे। लैंडलॉर्ड को पे कितना किया, 9000, मीन्स पे एबल है, अभी पेमेंट नहीं हुई है लैंडलॉर्ड को। यहाँ पे नरेशन बजे बनेगी आपकी, बीइंग रॉयल्टी ऑन एंड शॉर्ट वर्किंग एंड क्रिएट शॉर्ट वर्किंग, ये हो जाएगी आपकी नरेशन। अब हम बात करते हैं इनके पेमेंट की, लैंडलॉर्ड को हमें पेमेंट करना है, तो जब लैंडलॉर्ड को आप पेमेंट करते हैं तो लैंडलॉर्ड जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना, रॉयल्टी नॉमिनल अकाउंट होता है। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट एंड बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है, सो टू बैंक अकाउंट कितना पे करेंगे, लैंडलॉर्ड को आपने पे किया था 9000 टेबल में, ठीक है, सो 9000 पेएबल भी था, 9000, सो 9000 ये हुई आपकी। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, बीइंग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, ये नरेशन हो जाएगी, आप कर सकते हैं, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या ट्रांसफ़र करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर रॉयल्टी जो आई है कितनी आई है हमारे पास, रॉयल्टी 6000, फर्स्ट ईयर में कितनी रॉयल्टी आई थी, 6000 अमाउंट, सो शो कर देंगे 6000 अमाउंट, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर। देन हम सेकेंड ईयर में भी इसी तरह से कर लेंगे, ये आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, बिंग रॉयल्टी अमाउंट ट्रांसफर इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सेकेंड ईयर की बात करते हैं, सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्क नहीं हुआ है तो सिंपल एंट्री हो जाएगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंड लॉर्ड, यहाँ पर पे एबल है रॉयल्टी अमाउंट, रॉयल्टी अमाउंट इज 9500, सेकेंड ईयर में कितना आया था 9500, बीइंग रॉयल्टी ऑन, ठीक, एंड पे एबल टू लैंड लॉर्ड, ये हो जाएगा आपकी नरेशन। अब हम बात करते हैं इसकी एंट्री की, सेकेंड एंट्री की, तो लैंड लॉर्ड को आप पे करते हैं सेकेंड एंट्री में, सो लैंड लॉर्ड अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू, यहाँ पे सेकेंड एंट्री में आपने शॉर्ट वर्किंग को रिकूप्ड किया था मीन्स रिकवर किया था,
तो देखा जाए तो सेकेंड ईयर में 500 अपने शॉर्ट वर्क के सरप्लस हुआ था, 500 अपने रिकुप्ड कर लिया और लैंडलॉर्ड को 9000 पे कर दिया बैंक के थ्रू। सो 9000 बैंक के सामने हम दिखाएंगे, 500 हम शॉर्ट वर्किंग रिकुप्ड के सामने दिखाएंगे एंड 9500 लैंडलॉर्ड के सामने दिखाएंगे। क्लियर, ये हो गया। देन हम अब करेंगे किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, रॉयल्टी अमाउंट जो आया है आप उसको यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं टू रॉयल्टी अकाउंट। अमाउंट इज 9500 एंड 9500। सेम इंट्री हम करेंगे थर्ड ईयर में भी। चलिए थर्ड ईयर के लिए भी हम इंट्री देख लेते हैं क्या होगी, किस तरह से होगी। चलिए थर्ड ईयर देखते हैं। अब ये आपके था एनालिटिकल टेबल। थर्ड ईयर में जो एंट्री आप करते हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट डेबिट टू लैंड लॉर्ड अकाउंट। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग नहीं है हुई है तो शॉर्ट वर्किंग डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है। रॉयल्टी कितनी होगी आपको फर्स्ट ईयर में, 10500, इतना ही पेएबल होगा लैंड लॉर्ड को, 10500 फर्स्ट एंट्री हो गई, ये थर्ड ईयर आपका। सेकेंड एंट्री की बात करेंगे, यहाँ पर आप लैंड लॉर्ड को पे कर देंगे रॉयल्टी अमाउंट। लैंड लॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, शॉर्ट वर्किंग रिकुप्ड की थी सो टू शॉर्ट वर्किंग रिकुप्ड अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग रिकुप्ड कितना हुआ, 1500, ठीक है। लैंड लॉर्ड को पे कितना किया, 9000। सो 9000 क्रेडिट में 1500 शॉर्ट वर्किंग रिकुप्ड, टोटल अमाउंट 10500 लैंड लॉर्ड को पे कर दिया जाएगा, जितना पेएबल था पूरा का पूरा पे कर दिया गया है, ठीक है, पेड हो गया, बीइंग अमाउंट पेड टू लैंड लॉर्ड, ये हो गया। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की लास्ट एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रॉयल्टी अमाउंट तो हम ट्रांसफ़र करते ही करते हैं, एक चीज़ और है क्या, अनरिकुप्ड शॉर्ट वर्किंग अमाउंट। अनरिकुप्ड शॉर्ट वर्किंग अमाउंट जैसे कि स्टार्टिंग में 3000 हुआ था और कहा गया था क्वेश्चन में कि फर्स्ट थ्री ईयर्स तक ही हम उसको क्या कर सकते हैं, रिकुप्ड कर सकते हैं। फर्स्ट थ्री ईयर्स में जिस ईयर होता है शॉर्ट वर्किंग उसके नेक्स्ट दो साल तक, 1, 2, 3 फर्स्ट थ्री ईयर्स कंप्लीट, यहाँ तक हम रिकुप्ड कर सकते थे, लेकिन सिर्फ 2000 ही हम रिकुप्ड कर पाए, 1000 हम बच गया तो वो लॉस हो गया, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया। तो रॉयल्टी अमाउंट के साथ साथ ये शॉर्ट वर्किंग अमाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, एंड जो भी रॉयल्टी का जो अमाउंट आया था आपका, रॉयल्टी अमाउंट यहाँ पर आया था आपका लास्ट में 10500 आया था, ठीक है, 10500, एंड देन 1000 जो अनरिकुप्ड शॉर्ट वर्किंग है वो आ जाएगा, और टोटल 11500 कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मुझे यकीन है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से इसका सलूशन समझ में आ गया होगा, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।